हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक श्योर। जैसे कि आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमने किया था। अब हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम में जो आगे कंसेप्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर उस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम। देखिए, अगर कोई नंबर ऐसे दिया होगा a-1 a+1 अपॉन a के फॉर्म में, अगर n आपका क्या हो, इवन हो या एन आपका क्या ऑड हो, तो हमेशा रिमाइंडर क्या होगा, वन हो। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम, अगर ए माइनस वन पर पावर एन अपॉन ए हो, अगर यहां एन क्या हो, इवन हो, अगर एन इवन होगा रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर आपका क्या होगा, वन होगा। बट अगर एन आपका क्या हो, ऑड हो, अगर एन आपका क्या ऑड होगा तो रिमाइंडर क्या होगा आपका, ए माइनस वन होगा, जैसा कि आपको पता है कि रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम का। यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे देखने को। तो हम इसको अब क्या, अब हमने ये दो कंसेप्ट देखा, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ए 17^200 इज डिवाइडेड बाय 18, द रिमाइंडर इज, ऑप्शन आपको दिया हुआ है 1, बी ऑप्शन दिया हुआ है आपको क्या 2, सी ऑप्शन दिया हुआ है आपको 17 और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपको 16। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आपको देखने से ही पता चल रहा है कि 17^200 को डिवाइड किससे करना है, 18 से। तो ये आप अगर देखें, a माइनस वन अपॉन a पर पावर n इस फॉर्म में आ रहा है, और हमने अभी डिस्कस किया है कि अगर n क्या हो, अगर n आपका इवन हो तो रिमाइंडर क्या हो जाता है, आपका वन हो जाता है। अगर यहाँ n क्या है, आपका इवन है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। लेकिन अगर n क्या होता, ऑड होता, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाता, हमारा a माइनस वन मतलब 17। जैसे अगर आपको मैं क्वेश्चन दूं कि 17^99 को डिवाइड करना है 18 से, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां n क्या है आपका, ऑड है, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, a माइनस वन मतलब आपका रिमाइंडर क्या होगा, 17 हो जाएगा, आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा और समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं इसको। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए 18^500 को अगर हम डिवाइड करें 17 से, तो इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दूसरा है कि आप बताइए कि 16^7 है, डिवाइड बाय हम 17 कर रहे हैं, तो इसका
आंसर क्या होगा, ठीक है। आप भी साथ में क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद से कोशिश कीजिए, ठीक है। तो देखिए आपके पास यहाँ है 22 है और उसको डिवाइड करें 23 से, तो बताइए क्या होगा। और यहाँ अगर 23 को 22 से डिवाइड करेंगे तो उसका अगर 5 होगा तो क्या होगा, ये देखिए कितने बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखिए ये आपका क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका a प्लस वन को पावर n अपॉन a, इस कंसेप्ट पे आ रहा है। इसमें क्या होता था, n अगर इवन, अगर n आपका इवन हो या ऑड हो, अगर n क्या हो आपका इवन या ऑड हो तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता था, तो रिमाइंडर हमारा हमेशा 1 मिलता था। तो ऐसे जिस टाइप का क्वेश्चन आपका n कुछ भी हो, आपका 500 है, ये क्या है आपका इवन है, तब भी रिमाइंडर क्या होगा इसका 1, मतलब इसका आंसर क्या होगा 1 होगा। अगर ये 500 नहीं होता, ये 499 होता, तब भी इसका आंसर क्या होता, 1 ही होता, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 16/17 है, अब पावर 7 है, मतलब ये बेस्ड है किस पे, a माइनस वन पर पावर n अपॉन a पे, ठीक है। और n यहाँ क्या है, n आपका ऑड है, n क्या है आपका ऑड है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 16 हो जाएगा, क्योंकि n अगर ऑड होगा तो वो वैल्यू हो जाता है, a माइनस वन हो जाता है। अगर n आपका इवन होता तो आपका रिमाइंडर 1 होता, लेकिन यहाँ क्या है, n 7 है, तो 7 क्या एक ऑड वैल्यू है, तो यहाँ आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर 22/23 है तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि जो ऊपर वाला वैल्यू है अगर नीचे वाले वैल्यू से छोटा है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, हमेशा वही वैल्यू हो जाएगा ऊपर वाला। अगर इसको इस कंसेप्ट पे भी देखें, a माइनस वन अपॉन a के कंसेप्ट पे भी देखें, तो इसके पावर क्या है, 1 है, और 1 क्या है आपका ऑड वैल्यू है, 1 क्या है आपका ऑड वैल्यू है, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, a माइनस वन मतलब 22 इज द राइट आंसर। अगर इसको आप सॉल्व करें तो 23 को डिवाइड करें 22 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, और 1 को पावर 5 है, तो आपको क्या मिलेगा, आपका रिमाइंडर क्या होगा, 1 ही होगा आपका, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं और कुछ कंसेप्ट की, हम आप बात करते हैं क्या और कुछ कंसेप्ट की, ठीक है। देखिए रिमाइंडर जो होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिमाइंडर को क्या किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। अब इस बात को हम क्या करेंगे, अगर मैं आपसे पूछता कि रिमाइंडर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर हम आपको क्वेश्चन के टर्म में दिखाएं, इसको प्रूव करें कि रिमाइंडर को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, चलिए हम कुछ क्वेश्चन से इस बात को समझते हैं कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं और क्या समझाना चाहता हूं। देखिए अगर कोई कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि 4 × 8 और इसको आपको डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। तो देखिए एक तो तरीका है कि इसको आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 32/3 हो जाएगा, या इसको अगर आप क्या कीजिए 3 से अगर हम यहाँ क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, और अगर इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, और 1 × 2 क्या होता है, 2 होता है, तो 2 इसका क्या राइट आंसर है। लेकिन अगर हम इसको इस टर्म में देखें तो यहाँ क्या है, रिमाइंडर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन अगर हम 32 को 3 से डिवाइड करते हैं, 32 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये कितनी जाएगा, 10 टाइम्स में जाएगा, यहाँ हो जाएगा 30 और यहाँ बचेगा 2 रिमाइंडर, यहाँ बचेगा 2 रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन से आपको साफ पता चल पा रहा है कि क्या रिमाइंडर को जो है रिमाइंडर वो आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। देखते हैं हम कुछ और इस पे बेस्ड क्वेश्चन और उसके बाद हम देखेंगे कि रिमाइंडर को क्या ऐड किया जा सकता है, तो हाँ रिमाइंडर को ऐड भी किया जा सकता है, ठीक है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बताइए क्वेश्चन है आपके सामने, when 2^31 is divided by 5, the remainder is, ऑप्शन है आपके पास 4
बी ऑप्शन है आपके पास 2, सी ऑप्शन है आपके पास 3 और डी ऑप्शन है आपके पास 1। देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को देखते ही मात्र आपको एक दिमाग में क्या आता है कि 2^31 को डिवाइड करना है 5 से, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2^2 को हम 15 लिख सकते हैं इंटू 2, ऐसे तो हम लिख ही सकते हैं, ठीक है। और ये हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 5 से। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन को और आगे हम देखें, इसको 4^15/5 इंटू में 2 हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये टर्म आप देखिए, ये टर्म आपका कैसा बन रहा है, a-1^n/a के टर्म में बन रहा है। और यहां n क्या है, n आपका क्या है, n आपका यहां क्या है, n आपका ऑड है, n आपका वैल्यू क्या है, ऑड है, n आपका क्या है यहां वैल्यू, n आपका ऑड है, तो यहां क्या हो जाएगा इसका रिमाइंडर, ये इसका रिमाइंडर आपको 4 मिल जाएगा इंटू 2/5, ठीक है। अब ये 4 × 2 रिमाइंडर को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये क्या वैल्यू मिल जाएगा हमें, 8/5। अगर इसको कैंसिल करें तो यहां कितना मिल जाएगा, 3, आपका रिमाइंडर क्या होगा, 3। तो देखिए अगर हम मल्टीप्लीकेशन, अगर रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लीकेशन से कितना आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने बात किया, मैंने आपको बताया कि एडिशन, रिमाइंडर को एडिशन भी किया जा सकता है, रिमाइंडर को क्या, एड भी किया जा सकता है। देखिए इस बात को हम समझते हैं, इस कंसेप्ट को हम समझते हैं, इसके टर्म में, क्वेश्चन के टर्म में इस बात को हम समझते हैं। देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 20+13/6, ठीक है, ऐसा दिया हुआ, अगर हम इसको यहां से डिवाइड कर दिया क्या हो जाएगा, 6 × 3 = 18, मतलब रिमाइंडर 2, अगर यहां से करें तो 6 × 2 = 12, रिमाइंडर 1, ठीक है, और 2+1 क्या होता है, 3, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 3। एक तो ये तरीका है हमारा, तो इससे पता चलता है कि 2+1 हम रिमाइंडर को ऐड कर रहे हैं तो ये सही है। अगर हम इसको ऐसे देखें 20+13 क्या होता है, 33 होता है, अगर हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, आप ये लोग बताइए, 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो देख लीजिए कि आप ये क्या है, एक सही तरीका है, मतलब रिमाइंडर को क्या किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं और आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन when 11 power 13 plus 11 is divided by 12। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 11 power 13 plus 11 divided by 12, ये है। अगर हम इसको ऐसे देखें, इस टर्म को अगर हम देखते हैं तो आपको देखते ही क्या समझ में आ रहा है, आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि a-1^n/a के टर्म में है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 divided by 12, ये कितना हो जाएगा, 22 divided by 12, तो ये कितना हो जाएगा, बताइए यहाँ आपको रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर आपको बचेगा 10, तो इसका आंसर क्या होगा, 10 is the right answer, ठीक है। आप चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। देखिए हम बात करें निगेटिव रिमाइंडर की, हम बात करें यहां किसकी, निगेटिव रिमाइंडर की,
देखिए निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, इस बात को हम समझते हैं। अगर आपको दिया हुआ है वो अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ रिमाइंडर तो आपका क्या है, 6 ही है, क्योंकि अगर ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाले वैल्यू से छोटा है तो मतलब वही रिमाइंडर है, ये बात तो आपको पता है। लेकिन बोल रहा है कि नहीं हमें इसको निगेटिव रिमाइंडर के टर्म में बताइए। तो देखिये हम क्या करते हैं, अगर आपको इसको 7 से डिवाइड करना है, किसको, 6 को, तो देखिए हमने बात किया था यहाँ जो टर्म आता है उसको क्या बोलते हैं, क्वेशेंट बोलते हैं। तो जो देखिए ये तो यहाँ लगेगा नहीं, यहाँ क्या आएगा 7 को 0 से, तो यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर आपका 6। लेकिन बोला है कि अगले क्वेशेंट जो आ रहा है उससे अगले वाला टर्म, तो मतलब यहाँ 0 आ रहा, तो यहाँ से अगर हम 1 से क्या करें इसको ये करें मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1। रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ, -1 आ रहा है, और रिमाइंडर कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे उसमें जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो हम ऐड कर देंगे। यहाँ क्या वैल्यू मिल जाएगा आपको, 6 इज द राइट आंसर। देखिए हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। आपको मैंने बात बोला क्या कि यहाँ अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी है तो यही आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। बट अगर आपको निगेटिव टर्म के थ्रू देखना है, निगेटिव रिमाइंडर के थ्रू देखना है, तो आप ऐसे भी इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए हम आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से हम इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए अगर आपको बोला गया कि 69 को अगर आप, चलिए इसको हम और थोड़ा इजी कर लेते हैं, ये हो गया, इसको हम मान लेते हैं 62 को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 15 से, तो बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। तो जैसे कि आपको देखने से पता चल रहा है 15 चौके 60, यहाँ 2 रिमाइंडर आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि निगेटिव रिमाइंडर के तरीके से बताइए, आप निगेटिव रिमाइंडर बताइए किसका क्या होगा, तो देखिए 15 से किसको डिवाइड करना है, 62 को, तो ये 4 से जाएगा 5 चौके 60। लेकिन बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन का अगला वाला नंबर लेना है, तो क्या लेना है, 5 लेना है यहाँ, तो 15 पंचे 75, ठीक है। अब अगर 12 में से 5 किया 7, अगर 75 में से 62 जाएगा, तो ये बताइए कि ये कितना वैल्यू आएगा, ठीक है, 5 में से 2 गया तो 3, 1 सेकेंड, 5 में से 2 गया तो 3 और 7 में से 6 गया 1, आपको क्या वैल्यू मिल रहा है, 13 वैल्यू मिल रहा है। लेकिन किस टर्म में, निगेटिव टर्म में क्या मिल रहा है, निगेटिव वैल्यू मिल रहा है। और आपको पता है कि रिमाइंडर क्या है, कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ क्या वैल्यू मिलेगा आपको 2, यहाँ क्या वैल्यू मिलेगा आपको 2। आप देख लीजिए, आप इससे भी देख लीजिए, दोनों से आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसका एप्लीकेशन आप कैसे देख सकते हैं। तो देखिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बताइए फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 67 पावर 67 प्लस 67 इज डिवाइडेड बाय 68। ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है -1, बी ऑप्शन है आपके पास 1, सी ऑप्शन है आपके पास 66 और डी ऑप्शन है आपके पास 3। देखिए इसको आप बनाइए, खुद से भी बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 67 पे पावर 67 प्लस 67 अपॉन 68, ठीक है। देखिए ये टर्म आपको देखते ही समझ में आ रहा है, क्या है, a माइनस 1 पे पावर n अपॉन a के टर्म में, और n आपका क्या है, n क्या है आपका ऑड वैल्यू है,
तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ 67 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 66 लिख दिया मैंने, ये 67 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा। इसको और देखते ही आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसको हम क्या कर रहे हैं, निगेटिव रिमाइंडर के तरीके से कर सकते हैं। तो इसको -1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा अपॉन 68, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 66 अपॉन 68। तो यहाँ आपको पता चल ही रहा है कि ऊपर वाला टर्म क्या है, छोटा है नीचे वाले टर्म से, ये वैल्यू क्या है आपका रिमाइंडर है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको जनरल टर्म से करते तो क्या करते 67 करते, ये टर्म से आपका आ जाता है 67, उसमें हम 67 ऐड करते, फिर उसको 68 से डिवाइड करते, तो आप देख लीजिए 68 से अगर डिवाइड करते दोनों ऐड हो जाते क्या होगा 134। तो ये जाता है वन टर्म में, तो यहाँ आ जाता है 68। और फिर देखिए आप कितना ज्यादा टाइम लगाते इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर हम जनरल मेथड से करते। लेकिन अगर आपको निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम आता है तो आप इस क्वेश्चन को विद इन 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस पे और क्वेश्चन देखते हैं, इस पे हम क्या करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, क्या हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आपके सामने है नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, देखिए अगर कोई नंबर p^n + q^n / p + q के टर्म में, यहां n क्या हो, अगर n यहां ऑड हो तो रिमाइंडर क्या होगा, आपको रिमाइंडर क्या आएगा हमेशा रिमाइंडर जीरो आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा आपको हमेशा जीरो आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा हमेशा जीरो आएगा। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। इस पे बेस्ड अगर हम क्वेश्चन देख ले तो अगर देखिए 7^3 + 3^3 upon 7 + 3 है। आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आ गया किसके टर्म में, aq + bq के टर्म में। तो aq + bq क्या होता है a + b (a²) मतलब 7² + b²(3)² - -(-1 sec) - a * b - 3 * 7, ठीक है, अपॉन इसको डिवाइड किसे करना है 7 + 3। और हमने रिमाइंडर थ्योरम जब स्टार्ट किया था तभी हमने बताया था कि अगर किसी भी नंबर के मल्टीपल में वो नंबर हो जिससे हमें डिवाइड करना है तो यहाँ रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमेशा इसका रिमाइंडर आपको जीरो मिलेगा, हमेशा आपका रिमाइंडर इसका जीरो मिलेगा। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, देखिए अगर कोई नंबर p^n - q^n / p - q के टर्म में दिया हो, अगर यहाँ n क्या हो इवन या ऑड हो या आपको ऑड वैल्यू हो तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा हमेशा जीरो मिलेगा, यहाँ रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको हमेशा जीरो मिलेगा, ठीक है। इस बात को हम समझ लेते हैं, इस बात को हम क्या करते हैं समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपके पास वैल्यू है 5² - 3² अपॉन 5 - 3, a² - b² क्या होता है आपको पता है, क्या होता है आपके पास a + b (a - b), ठीक है, a + b (a - b), a² - b² क्या होता है a + b (a - b), ठीक है। यहां से आपको एक सेकंड बच्चों
8 बचेगा यहाँ, क्या हो आपको इवन हो या ऑड हो, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, हमेशा 0 आना चाहिए, ठीक है। देखिए, ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी नंबर के मल्टीपल में वो नंबर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा, देखिए ये कट जा रहा है, तो रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, हमेशा आपको 0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ ऑड नंबर लेके देखें, 5³ - 3³ की अगर हम बात करें, ये वैल्यू क्या मुझे मिल जाएगा, ये क्या वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ मुझे 5 - 3। aq - bq क्या होता है, aq - bq क्या होता है, तो आपके पास होता है a - b इंटू a² + b² मतलब a² + b² b का वैल्यू क्या है आपके पास, 3, तो 3² + a * b 5 × 5 × 3 / 5 - 3। और अभी हमने बात किया कि अगर इस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा। रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने फिर नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका p^n - q^n / p+q। इवन है एन, अगर आपके पास इवन है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इस बात को हम समझ लेते हैं। जैसे अगर 3² - 2² है अपॉन 3+2 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, a² - b² को a + b * a - b, ठीक है। और नीचे आपको डिवाइड करना है 3+2 से, तो देख सकते हैं कि 3+2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। हम क्या करेंगे, इस पे बेस्ड जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा, इस पे बेस्ड और क्वेश्चन देखेंगे, और हम फिर अगला नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक देखेंगे, फर्मेंट थ्योरम क्या होता है, उसके बाद हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जिन बच्चों को हमारे वीडियो की रिक्वायरमेंट है, जो बच्चे अपकमिंग एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां तक ये वीडियो पहुंच पाए और उस बच्चे को हेल्प हो पाए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको चैनल से रिलेटेड जो भी अपडेट हो वो आपको मिलता रहे, ठीक है। जो भी नए वीडियोस चैनल पे आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।